हेलो एंड वेलकम टू ब्रेन चोरी रिएक्शंस। मेरा नाम है राज और आज मैं रिएक्ट करने वाला हूँ बदला ब्रदर के एक वीडियो पे। इस वीडियो का टाइटल है कशिफ खान प्राइम मिनिस्टर ऑफ टिकटॉक, तो लेट्स चेक इट आउट। ये वीडियो किसी का दिल वैसे ओरिजिनल लिंक टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में होगा, मेक श्योर टू सपोर्ट बदला ब्रदर। एनी हेट कीप स्माइलिंग। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि टिकटॉक एक ऐसी जाय हयात है जहाँ पे आए दिन कोई ना कोई यकी लगी रहती है, एक खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। उन्हीं में से एक ये है, गुड हो गया प्राइम मिनिस्टर ऑफ टकाटक। इसका टिकटॉक पे दूसरा नाम नासों वाली सरकार है और उसकी वजह ये है कि इसकी नासें आगे से बहुत कुछ आते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ टिकटॉक कैसे बन गया, इसके पीछे क्या रीजन है, क्या 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 वजह है। तो भाई जान सबसे पहले आप इसकी दो चार वीडियोस देखें, आपको पता चले कि ये किस तरह का कंटेंट बनाता है टिकटॉक पे। क्या बात है अरिका, आकाश तो तुमने 1975 की वीडियो बना दी है। सही है जी, वैसे ये उलिया तुम पे अच्छा लग रहा है। रिएक्शन वीडियो बनाता है क्या वो टिकटॉक पर? रिएक्शन वीडियोस अली खान, आप तो टिकटॉक पे छा गए हो यार, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आपकी आ रही है, ऐसी बनाते रहो, गुड हो गया। रिएक्शन भी नहीं बोल सकते, रिव्यू वीडियोस बना रहा है। ऐसी रात भी आए अली भाई, तो आ जाए लेकिन तेरी याद। लड़का बहुत अच्छी वीडियो बनाता है, क्या दुखी दुखिया इसकी शेरो शायरी होती है, बहुत अच्छी इसकी वीडियो है। क्यों क्या बात है जी, बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, एक फनी वीडियो थी, गुड हो गया। आप ना एक्टिंग के अच्छा, गुड हो गया, अच्छी वीडियो बनी, गुड हो गया यार। यहाँ से आया क्या, गुड हो गया। बस इसके अकाउंट में सारी की सारी वीडियोस ऐसी ही थी, लेकिन जब इसका डायलॉग गुड हो गया, एक्टिंग के बाद अच्छा हुआ, ये वायरल हुआ, तो एक चौधरी साहब उठे, उन्होंने कहा कि तू टिकटॉक का प्राइम मिनिस्टर है, मुबारक हो। मैं काशिफ खान को टिकटॉक का प्राइम मिनिस्टर बनने की खुशी में मुबारकबाद पेश। खैर मुबारक नदीम भाई, ये प्राइम मिनिस्टर इंशाल्लाह सबकी उम्मीदों पे पूरा उतरेगा। आपने मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाया, इंशाल्लाह मैं प्राइम मिनिस्टर बन के दिखाऊंगा। कल मैंने ऐद कर लिया। और ये भाई साहब सीरियस हो गए, मान भी गए, सिर्फ दो चार बंदों के कहने की वजह से और खास कर इसके कहने की वजह से। प्राइम मिनिस्टर ऑफ टिकटॉक काशिफ खान तशरीफ ला रहे हैं। ये क्या मैं काशिफ खान टिकटॉक शपथ वो वोट ले रहा है क्या? एजाज हासिल हुआ है, वो भी नदीम नानी वाले भाई ने हमें टिकटॉक का प्राइम मिनिस्टर बनाया है। आज मैं हलफ उठाने आया हूँ। पीछे तो सीरियसली कैसे रुके लोग? दिस इज क्रेजी। भाई को हलफ उठवा रहा हूँ जी, मैं काशिफ खान प्राइम मिनिस्टर ऑफ टिकटॉक ये हलफ उठाता हूँ आज के बाद टिकटॉक पर किसी के साथ कोई ना इंसाफी नहीं होगी। अरे उसका तो काम ही यही है कि लोगों को पुठे सीधे चैलेंज दे के अपने आप को वायरल करवाना। बात समझा करो। आज मैं ये चैलेंज देने लगा हूँ टिकटॉक के प्राइम मिनिस्टर को, जिसको सिर्फ ना टिकटॉक का प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है बल्कि उसको नासा वाली सरकार भी कहा जाता है, क्योंकि उसका आज का जो डायलॉग है बहुत अच्छी वीडियो बनी है जी, गुड हो गया। अगर ये बंदा अच्छी सी कटिंग करा के अच्छी वीडियो बना डाले तो पाकिस्तान में आकर सबसे मेरा पहला जब डिनर होगा वो काशिफ खान के साथ होगा। तो तुम कौन हो, क्या बहुत बड़े कोई टैलेंटेड सेलिब्रिटी हो हैं? मैं जब पाकिस्तान आऊंगा तो मेरा पहला डिनर काशिफ खान के साथ होगा। बंदा पूछे तुम्हारे साथ शतूत लगे हैं, मैं तुम्हारे साथ डिनर करूंगा। ये एडा तू चौं से अंबाना दरखत नहीं, वो अगर तुम्हारे साथ डिनर करेगा वो तो मरा जा रहा है ना तुम्हारे साथ डिनर करने के लिए, ये उसके लिए भाई से फखर होगा, है ना। इस तरह के बंदे चोरी करते हुए पकड़े जाए ना तो अपने मोहल्ले में आके कहते हैं मैं उमरा करके आया हूँ, नहीं कोई भी वायरल हो रहा होगा ना तो ये जाके अपनी टांग गड़ा देगा। मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ तुम कंध से छाल मारो, मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ तुम ऊंट पे चलो, मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ चैलेंज देके फेमस हो सच में। कोई मकसद नहीं, ना दूध ना दही, ए वही यही 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 सियाणपति नहीं, सियाणपति नहीं। अस्सलाम वालेकुम प्राइम मिनिस्टर साहब। वालेकुम सलाम जी, तशरीफ रखे जी। नदीम नानी वाले ने एक समरी भेजी है जिसमें कवल अफताब आपका इंटरव्यू लेना चाहती है, कोई अपॉइंटमेंट उनके लिए निकाल लें। अच्छा कवल अफताब, उस पे अभी तक मैंने रिएक्ट नहीं किया यार, आप लोग इस समरी को डन किया जाए और उनको मंगल का टाइम दिया जाए और अगली वीडियो में बकायदा ऐलान किया जाए। अबे ओ उसने तेरी ये वीडियो देख ली ना, उसने पता तुम्हें क्या कहना है, जाके मुंह तो अच्छा मुंह तो होगे ना फिर तो मेरे नु तौलिया ना चंगी तरह रगड़, मेरे तौलिया भी तो फिर
ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਧੋਏਗਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਬਣ ਵੀ ਧੋ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਧੋਣੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਧੋ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਜਾਏਗਾ ਨਾਲੀਆਂ ਧੋ। और जब ये सस्ते से इंटरव्यू वाले यस्सु पंजू इसके पास पहुंचे कि तुम जरा ये बताओ कि कमल आफताब के साथ तुम कैसा रिश्ता रखना चाहते हो, तो मुआशरे के इस छोटे से हिस्से का जरा जवाब सुनो। वीडियो बना। अच्छा, अगर कमल आफताब आपसे मिलना चाहे या आपके पास आना चाहे तो उसे किस रिलेशन से साथ रखेंगे, बहन गर्लफ्रेंड किस? अरे तुमने बहन और गर्लफ्रेंड का जिक्र तो कर दिया है लेकिन अम्मी का जिक्र किया ही नहीं, उसे अम्मी का ऑप्शन भी दो, उसकी अम्मी की उम्र की है वो। रिलेशन बनाना हो आपके साथ देखो भाई, अभी फेमस हुआ नहीं, ख्वाहिशात चेक करो। ड्राई फ्रूट खाने का तो हर एक को शौक होता है लेकिन इस तरह के बंदे अमीर होने के बाद इतना ड्राई फ्रूट खाते हैं कि खा खा के अपने आप को पीला यरकान करवा लेते हैं। अच्छा, इसकी चपलियाँ यहाँ पे खत्म नहीं होती है, चूँकि दो चार बंदों ने और इस चौधरी साहब ने इसको पिया बना दिया, तो इस भाई साहब ने टिकटॉक पर अपना ऑफिस खोल लिया जहाँ पे ये टिकटॉक के मजलूम फरियादियों की फरियादें सुनेगा। सर जी, सर आपकी रिपोर्टर में बिल खोकर ने रिपोर्ट दी है कि टिकटॉक पे लड़कियां बहुत फ्लैशी पिला रही हैं, सर इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये मैं क्या देख रहा अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। इन लड़कियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। यस सर। और जो भी पाकिस्तान में गन फैला रहा है उनको अंजाम तक पहुंचाया जाए। मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि ये फरियाद सुनेगा कैसे, कान तो इसके बंदे बालों से ढके हुए हैं और इतू सा तो ये है फरियादे इसके सर के ऊपर से ही गुजर जानी है। यार देखो, जब भी टिकटॉक पे कोई इस तरह की चीज नजर आती है ना तो बंदा यही सोचता है कि ये क्या है और आगे से जहन एक ही जवाब देता है, ये तो टट्टी है। फिर बंदा सब्र तहमुल के साथ सोचता है कि नहीं भाई नहीं, हमारे मुआशरे में नौजवानों के लिए ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है भाई ठीक है, एंटरटेनमेंट मजाक होना चाहिए लेकिन ये क्या है? ये तो टट्टी है। ओ भाई सुन लिया है, उनको बार बार क्यों बता रहा है, पता चल गया है। भाई मैं ये नहीं कहता कि ये बंदा फजूल है, इसका टिकटॉक पे कंटेंट क्रिंज है लेकिन इतना नहीं, मगर ये जो अब कर रहे हैं इसके साथ प्राइम मिनिस्टर ऑफ टिकटॉक, इस बात का कोई लॉजिक है? साबित क्या करना चाहते हैं, कोई नया मुल्क हासिल करना चाहते हैं? क्या इन लोगों को आजादी चाहिए है? पहले ही बहुत आजादी है आप लोगों को, टिकटॉक पे जिसके जो दिल में आता है वो करते ही जाता है, मुजरे से लेके नंगे होने तक सब कुछ कर जाते हैं। मुझे पता है ये सख्त अल्फाज है लेकिन ये हकीकत है, अब मैं इससे ज्यादा बात नहीं कर सकता। ओके बस हो गया, ठीक है ओके। एक्चुअली क्या हुआ, डक्की भाई के लेटेस्ट रोस्ट में कशिफ खान के बहुत सारे क्लिप्स यूज किए गए थे, तो मैंने उस वीडियो में आप लोग से पूछा था कि ये बंदा कौन है, तो आप लोग कमेंट्स में बोलने लगे ये कशिफ खान है, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ टिकटॉक है, तो मैं काफी क्यूरियस हो गया कि इसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ टिकटॉक क्यों कहा जाता है। फिर मैंने देखा कि बदला ब्रदर ने वीडियो रिलीज किया इसके ऊपर, तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि इमीडिएटली देखना ही चाहिए, क्योंकि बदला ब्रदर का मैंने इससे पहले सिर्फ दो वीडियोस देखा है लेकिन दोनों वीडियोस अमेजिंग था एंड आई रियली फील कि ये बहुत ही अंडररेटेड है। आप लोग ने तो अभी अभी मेरे साथ ये वीडियो देखा, आपको समझ गया होगा कि ये बहुत सारे सब्सक्राइबर्स डिजर्व करता है लेकिन अभी तक उसके पास उतने सब्सक्राइबर्स नहीं है जितना होना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर टू सपोर्ट हिम, एंड काफ़ी एंटरटेनिंग था, मैंने सोचा नहीं था, क्रिएटिव है, कमॉन कशिफ खान का आप लोगों को मानना पड़ेगा, बाकी सब जिन लिप सिंकिंग कर रहे हैं डांस कर रहे हैं या ट्रांसफॉर्मेशन स्लो मोशन, लेकिन ये किसी ने ट्राई नहीं किया था एंड कशिफ खान ने बस एक बंदे के बोलने के वजह से इसको इतना सीरियसली ले लिया और एक अपना स्टाइल बना लिया, तो आई एम एक्चुअली काइंड ऑफ इम्प्रेस्ड। क्रिंजी है आई एग्री लेकिन थोड़ा बहुत इम्प्रेसिव भी है कि कैसे क्रिएटिव था, कुछ अलग बनाया उसने। अभी सुनते हैं कि आकाश का वीडियो कैसा लगा। हे गाइस, मेरा नाम है आकाश, तो आज बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ टिकटॉक काशिफ खान। मैंने भी अभी अभी सुना, मुझे नहीं पता था कि इनको टिकटॉक का प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है। कोई भी कंप्लेंट हो या कोई भी अच्छी बात हो तो इनके वहाँ मतलब इनके जो साथ में काम करने वाले होते हैं वो इनके पास तशरीफ लेके आते हैं, अपनी तशरीफ रखते हैं। अरिका आग भी है इस वीडियो में, तो उनको भी मतलब रेड ये मतलब बताते भी है वीडियो के बारे में, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर है टिकटॉक के, तो जरूर बताना इनका फर्ज है कि आपने कैसे बनाई है। तो अरिका आग ने पुराने जमाने की सॉन्ग पे उन्होंने वीडियो बनाया है, तो उन्होंने इस पे रेट दिया और उसमें काफी फनी कहा है, और फिर सबसे बेस्ट इसमें हेरा फेरी वगैरह वाला भी पार्ट ऐड किया है। तभी वो एर्थगुल का जो रिएक्शन है रोने वाला, वो तो मुझे मतलब
यार मैं क्या कहूँ, काफी फनी लगा, मतलब यार कुछ भी, मतलब उसमें वो म्यूजिक डाल दिया है, वो मतलब कोई तो सॉन्ग है, मुझे याद नहीं आ रहा मतलब वो सॉन्ग का नाम, बट वो सॉन्ग का म्यूजिक उसमें डाल दिया है और उस पर एरतगुल मतलब ऐसे रो रहा है कि क्या हो गया। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो लेके, बाय।